नायरा देने चली है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। अब ऑपरेशन ही है नायरा की मुश्किलों का समाधान। सब ठीक है और ऑपरेशन करना। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जारी है नायरा का प्रेगनेंसी ड्रामा। आज नायरा और कार्तिक के लिए है इम्तिहान की घड़ी। वेल, ये बात तो अब किसी से छुपी नहीं है कि नायरा के माँ बनने के चांसेस बेहद कम है और नायरा कार्तिक मिलकर इन मुश्किलों का हल ढूंढ रहे हैं ताकि नायरा माँ बन सके और गोयनका परिवार को उनके घर का नया वारिस मिल सके। इसीलिए नायरा कार्तिक हॉस्पिटल से कुछ जरूरी टेस्ट करवा के आते हैं। जहाँ दादी इस खबर को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वहीं नायरा के ऑपरेशन की बात सुनते ही नैतिक हो जाते हैं परेशान। नैतिक कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन नायरा अपने पापा की बात को बीच में ही काट देती है। हालांकि नायरा कार्तिक के चेहरे पर डर अब भी साफ दिख रहा है। चलिए पहले पूछते हैं कार्तिक और नायरा से कि क्यों उनके चेहरे पर ये डर है। प्रेगनेंसी ड्रामा जो है वो काफी एक और पॉइंट पे पहुंच चुका है और वहां पर हमें कुछ चीजें पता चली जो हम फैमिली को नहीं बता रहे, तो उसलिए वो एक डर है कि शायद फैमिली को पता चल जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में नैतिक अकेले में अपनी प्रिंसेस अपनी नायरा को समझाते हैं कि वो ये ऑपरेशन ना करवाए। अपनी बेटी को वो उससे ज्यादा जानते हैं। नैतिक अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑपरेशन, स्टिचेस और इंजेक्शन के नाम से ही नायरा कितनी डरती है। नहीं प्रिंसेस, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। मैं सबको जाकर बता रहा हूँ। पापा, आपको मेरी कसम है। दिस इज नॉट फेयर प्रिंसेस। आप मान भी तो नहीं रहे। बेटा, मानने वाली बात हालांकि नायरा एक बार फिर अपने पापा को समझाती है। नायरा उन्हें आखिरी कोशिश कर लेने देने को कहती है। आइए अब जानते हैं नायरा से कि मुश्किल की घड़ी में उनका साथ देने वाले उनके पापा नैतिक आज क्यों अपनी बेटी के साथ नहीं है। नायरा को बचपन से ही डॉक्टर, सर्जरीज, ऑपरेशन, इंजेक्शन ये सुन के ही वो बचपन से उसको फोबिया है, उसको मतलब बहुत डर लगता है। और वो अगर किसी चीज के लिए अग्री कर रही है तो उसके पापा को पता है वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितना डरती है उन सब चीजों से, तो वही टेंशन चलता है। अपनी माँ अक्षरा की तरह नायरा भी खुद से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देती है। अपने डर से ज्यादा नायरा को उन खुशियों की फिक्र है जो नन्हे मुन्ने मेहमान के आने से पूरे गोयनका परिवार में छाएंगी। तभी तो नायरा आज अपने सबसे बड़े डर को पीछे छोड़ नया इम्तिहान देने के लिए हंसी खुशी तैयार है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे नायरा कि डरो नहीं, आगे बढ़ो, कान्हा जी आपके साथ है।